प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल भूलचंदानी आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। क्या आप इस भ्रम में आज भी हैं कि आपको किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में जमाती वोट देंगे या जमातियों के रिश्तेदार आपको वोट देंगे? अगर यह भ्रम पालकर आप बैठे हैं तो मैं समझता हूं इस भ्रम को आज रात को आपको छोड़ देना चाहिए। आप कितने ही देवता बनने की कोशिश करिए, जमातियों के देवता ना आप थे, ना आप हैं और ना कभी आप इनके शुभचिंतक बन सकते हैं। आप एक करोड़ बार कहिए, आप अग्नि के बीच में खड़े होकर कहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना इनको आप पर कभी विश्वास था, ना आप पर विश्वास है, ना आप पर विश्वास रहेगा। जो आज देश की हालात बनी हुई है, जिसमें आपके निवेदन पे 98% लोग अपना व्यापार छोड़कर घर बैठे हैं, अपनी नौकरियों को दांव पर लगा कर बैठे हैं, अपनी जान दांव पर लगा कर बैठे हैं, आप तथाकथित 5% लोगों के वोटों के लिए ये जो कर रहे हैं निवेदन की भाषा, इसको बंद करिए। आपके जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो शायद जो पूरे देश के अंदर जमाती फैल चुके हैं, उनको निमंत्रण जानते किस प्रकार से दे रहे हैं, जैसे वो कोई दामाद हैं इस देश के। गिरफ्तार हो जाइए, आ जाइए, आपका इलाज करवाइए, इधर उधर मत भागिए। आपको आदेश देना चाहिए कि जितने भी जमाती हैं उनको गिरफ्तार करके एक जगह बंद करिए, तिल तिल मरने के लिए। उनको मालूम चले कि कोरोना की मृत्यु कैसे होती है, मरा कैसे जाता है, उनको कब्र नसीब नहीं होगी। जिन लोगों के कारण आज पूरा देश समस्या में है, उन तथाकथित 0.5% भी लोग नहीं है जिनके कारण पूरा देश मुसीबत में पड़ा है। आप उन 97% लोग जो आपके एक निवेदन पर जनता कर्फ्यू के लिए तैयार हो गए, आपके एक निवेदन पर तालियां और थालियां बजाने के लिए तैयार हो गए, आपके एक निवेदन पर दिए और दीपक जलाना चालू हो गए, कहीं आप उनका अपमान नहीं कर रहे? आपकी सरकारें अपमान नहीं कर रही? जिन जेहातियों से आप सर्वे करा के देखिए, इस देश का 80% व्यक्ति उनको क्या चाहता है। सभी जमातियों को एक जगह गिरफ्तार करिए और उसी निजामुद्दीन की उसी बिल्डिंग के अंदर बिठाइए और बाहर से लॉक कर दीजिए, उनको वहीं सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मेरी आपके प्रति आस्था है, मेरी इस देश के प्रति आस्था है, इस राष्ट्र के प्रति आस्था है, उन मुसलमानों के प्रति आस्था है जो ईमानदारी से इस देश का खाते हैं और देश का नमक चुगाते हैं। परंतु कुछ विदेशी मुसलमान तक थे जो इस देश को मारना चाहती हैं, इस देश के अंदर कलह पैदा करना चाहती हैं, इस देश के हिंदू मुसलमानों की चैन खराब करना चाहती हैं, उनकी नींद हराम करा के उनको लड़ाना चाहती हैं, उनके षड्यंत्र को या तो आप समझ नहीं पा रहे या समझकर समझना नहीं चाहते। कठोर कदम उठाइए। आपके 3 आदेश इस देश की जनता ने स्वीकार किए हैं, अब एक आदेश आपको इस जनता का स्वीकार करना चाहिए। आप जनता से सर्वे कराइए कि जनता क्या चाहती है और उस आदेश को अब आपको पालन करना चाहिए। अब चौथा आदेश आपका इसको देश को नहीं सुनना चाहती। देश की जनता ने आपके 3 आदेश मान लिए, आपके 3 आदेशों को अपने आंखों पर, अपने सर पर रखा है, लेकिन चौथा आदेश अब आपको हमारा मानना चाहिए। जिहादियों को गिरफ्तार करिए, उनको उसी निजामुद्दीन की मस्जिद के अंदर बंद करिए, और जो इधर उधर भागते फिर रहे हैं उनको इलाज तक मत दीजिए। उस मस्जिद के अंदर, उस निजामुद्दीन की बिल्डिंग के अंदर मौलाना साथ सहित सबको बंद करिए और तिल तिल मरने के लिए छोड़िए, ताकि इस राष्ट्र से प्यार करने वाले लोगों को, जिगरे को थोड़ी शांति मिले। वंदे मातरम, भारत माता की जय।